गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ये मेज ड्रॉ किया, उसमें शेडिंग किया, अच्छी तरह से आपको आया कि नहीं, अच्छी तरह से किया ना, वेरी गुड। आज हम ये पॉट पे करेंगे, पॉट में ड्रॉ करना है और फिर शेडिंग करना है, और शेडिंग में स्ट्रोक दिया हुआ है, स्ट्रोक हम आज सीखेंगे। पहले जब हमें ड्रॉ करना है तो ये सिमेट्रिकल शेप है, दोनों तरफ एक जैसा है, तो हम बीच में लाइन ड्रॉ करके, बीच में जो लाइन ड्रॉ करनी है वो आप स्केल से कर सकते हैं, और दोनों तरफ फ्री हैंड आपको पॉट ड्रॉ करना है। जो बीच में आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपको एकदम से लाइट ड्रॉ करनी है, आपके अलावा किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। पहले आपको ड्राइंग बिल्कुल से लाइट करना है, फिर परफेक्ट हो जाए, बाद में आपको डार्क करना है। लाइट ड्रॉ हो गया, फिर जरूरत हो उतना ही डार्क करना है, और जो ज्यादा लाइन आपने स्केच में कर डाली है वो इरेज कर डाली। इसी तरह से दोनों तरफ सिमेट्रिकल ड्राइंग होने के बाद आपको स्ट्रोक करना है। ये स्ट्रोक जो वो है वो इस तरह से है, तो हम थोड़ा सा पेपर को मोड़ लेते हैं, और फिर देखो जो आपका एक स्ट्रोक है वो जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से आपका सब स्ट्रोक जाना चाहिए, ये ख्याल रहे आपको। पॉट में जिस तरफ डार्क दिखाई देता है उसी तरफ से हम स्ट्रोक लेंगे, लाइट में ऑटोमेटिकली ही वो लाइट हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रोक जो करते हैं वो यहाँ पे प्रेस करके करना है, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आगे जाके जो लाइन खींचना है इस तरह से हाथ को ऊपर की तरफ ले लेना है, ताकि ऑटोमेटिकली ये लाइन जो है आगे की तरफ से पतली हो जाएगी, वो लाइट शेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसी तरह से आपको पूरे पॉट में स्ट्रोक को खींचना है, फिर जितना आगे डार्क है हम दोबारा डार्क करके देखेंगे। इसी तरह से डार्क डार्क स्ट्रोक आपको देते जाना है, लेकिन स्ट्रोक सब एक तरफ ही होने चाहिए, तब भी आपका शेडिंग अच्छी तरह से दिखाई देगा।
जहां से शेप है तो हम थोड़ी सी आउटलाइन देके स्ट्रोक के साथ मिक्स कर डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो उसकी कोट की थिकनेस है वो दिखाई देती है। थोड़ा सा परफेक्टली शेप करके स्ट्रोक के साथ मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। वो जो आप लाइनिंग दे रहे हैं वो लाइनिंग कहीं पे दिखाई नहीं देनी चाहिए। थोड़ा सा कहीं पे बाहर चला गया है इरेजर से हम शेप को अच्छी तरह से शार्प करेंगे। नीचे के पोर्शन में उसी तरफ स्ट्रोक हो रहे जाइए। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करके स्ट्रोक के साथ मिक्सअप कर देते हैं ताकि परफेक्टली आपका शेप आने लगे। ये हो गया आपका पूरा बोर्ड कंप्लीट। जो शेडो पड़ता हुआ है दिखाई दे रहा है, ये जो शेडो, वो शेडो हमें इस तरफ से लाइट है, ये पूरा लाइट है या डार्क है, यहाँ पे लाइट है तो ये इसका शेडो इस तरफ ही लगेगा। के पास में एकदम डार्क शेडो पड़ता है, थोड़ा आगे जाके वो भी लाइट हो जाता है। इस तरह से आपका ये पूरा पिक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसी हिसाब के आपको स्ट्रोक लगाना है, थोड़ी सी ऐसा लगे तो रफ में प्रैक्टिस कीजिए और बाद में आपके ये बुक में अप्लाई कीजिए। थैंक यू।